तो चोटी पे कितने सारे बादल लदे हुए हैं। राज को पकड़ लिया। यहाँ पे फ्लाईओवर बनना ना ऊपर ऊपर, ये कंप्लीट हो जाएगा तो सीधा ऊपर ऊपर निकल जाओ भाई। तो गाइस हम लोग आ गए हैं क्लाउड्स में। ये भाई भाई जिसका डर था वही हुआ। अभी इनके कल का तो कल देखेंगे यार, कुछ भी हो अभी का क्या करना है, वही चीज आती ना, उधर के रहे ना इधर के रहे, अब बस। ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? काफी टाइम से आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, बस शॉर्ट्स आ रही हैं ये आ रही हैं। तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि जब से वहाँ से चंडीगढ़ से लौट करके आए थे उसके बाद से बहुत ज़्यादा इतना वर्क प्रेशर हो गया और थोड़ा सा बीच में कुछ इश्यूज़ भी थे, इस चक्कर में ना ब्लॉगिंग हो नहीं पाई यार। तो लेकिन मैंने शॉर्ट्स डालना कंटिन्यू रखा क्योंकि मालदीव्स की बहुत सारी शॉर्ट्स मैंने बनाई थी, तो वही मैंने कंटिन्यू रखी ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। क्योंकि एल्गोरिथम आप जानते हो यूट्यूब की, जो जितना जितना कंसिस्टेंसी रहती है जिस अकाउंट की, वो उतना आगे रीच उसकी बढ़ती रहती है। तो अभी उतनी रीच है नहीं, इसलिए मैंने कंसिस्टेंसी बनाई रखी ताकि अगर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो वीडियोस जल्दी से रीच में जाते रहेंगे और आप लोग अपना सपोर्ट दिखाया करो यार। तो सीन ये था कि वहाँ से आने के बाद काफ़ी सारा वर्क प्रेशर था, बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उतना उस तरह से कुछ मतलब हम कहीं बाहर गए भी नहीं, तो उस तरह से मैंने कुछ बनाया नहीं क्योंकि घर में उठो बैठो सो जाओ काम करो खाओ पियो वही चलता है, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ब्लॉगिंग की नहीं। अभी क्या है कि अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ, कल परसों हम लोग आए थे क्योंकि बिल्कुल ये तो इतना सडन था कि दोपहर तक तो पता ही नहीं था और एक घंटे में पता चला कि चलना है। तो पहले तो सोनिया अकेले जा रही थी कि मैं चली जाती हूँ ये वह, तो मैंने कहा नहीं अकेले नहीं जाना है, ऐसा ठीक नहीं लगता है क्योंकि मैं भी चल लेता हूँ, ज़्यादा दूर लगता है 3-3.5 घंटे लगते हैं, वो मैनेज हो जाता है। तो फिर हम लोग फटाफट अपना पैकिंग करके जो उठाया वो सब धरा, कपड़े वपड़े ऐसे डाले और फिर निकल लिए। तो इसलिए मैंने रास्ते का भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आप लोग भी कहोगे हर दूसरे दिन तो चंडीगढ़ होता है, क्योंकि सुनिए कि बेसिकली चंडीगढ़ देहरादून हो गया बैंगलोर पुणे ऐसे काम होता रहता है, तो ये सब में रहता है। बाकी इधर उधर ट्रिप हम लोग मालदीव की ट्रिप करके आए थे, तो आपने वो कमेंट करके बताया नहीं कि वो ट्रिप कैसे लेकर, आपने अभी तक आपने वो मालदीव की ट्रिप नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, कमेंट करना कैसे लगे वीडियोस। ठीक है, तो अभी सीन ये है कि आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर देखते हैं क्योंकि बड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है यार, काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं बन रहा है और मुझे भी अब लगने लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा मतलब गैप हो गया ब्लॉग का। हालांकि शॉर्ट्स तो मैं डाल ही रहा हूँ, तो आप लोग भी सोच रहे हो कि पता नहीं बंदा कहाँ चला गया क्या है, यानी बस शॉर्ट्स डाले जा रहा है। तो अब चलो बाहर चलते हैं। वैसे देख यहाँ बहुत धूप हो रखी, गर्मी तो बहुत आलम हो रखा है यहाँ, और दिल्ली में भी कोई बारिश वारिश इतनी खास हो नहीं रही, बादल आते हैं जरा सा छींटा कसी होती चले जाते हैं, गर्मी का आलम बहुत है। बाकी पहाड़ों वहाड़ों पर बारिश बहुत हो रही है, तो पहाड़ों वहाड़ों पर तो अभी कहीं नहीं जाना, इसलिए हम लोग और ज़्यादा कहीं ट्रिप नहीं बनाई क्योंकि बहुत सारा दिमाग में चल रहा था कि यहाँ चले वहाँ चले, लेकिन अपना काम का प्रेशर भी इतना था तो वो सब देखना था, इसलिए व्लॉग नहीं आया। तो कोई नहीं, अभी कोशिश करेंगे, थोड़ा बस काम और रह गया वो निपट जाए, उसके बाद बस इस अगस्त भर में है, उसके बाद अपना पूरा एकदम ब्लॉग आया करेंगे, ट्रिप भी हुआ करेंगी, तब तक ये मानसून भी कम हो जाए, कहीं इधर तो जाना होगा तो दिक्कत नहीं होगी। घर वाले भी देखो चिंता करते हैं, कोई भी हो घर वाले चिंता करते हैं, सबके करते हैं, पतला पहाड़ों पर जा रहा है तो वही गालियाँ पड़ने लगती हैं या अभी पहाड़ों पर क्यों जा रहे हो, इतनी बारिश है ये सब वो सब। तो फिलहाल अभी ये सीन है कि अभी बाहर चलते हैं, थोड़ा सुनने को था कि इधर ये शिमला रोड पर घूम करके आते हैं कि कहीं को देख करके आते हैं कि कैसा क्या मौसम है, या तो बारिश तो हो ही नहीं रही चंडीगढ़ में भी, धूप ही धूप निकली हुई है, अब कुछ मौसम बदले तो कुछ मज़ा आए। ठीक है, तो अभी क्या है कि फटाफट से थोड़ा सा काम धंधा निपटा लूँ, एक तो काम था वो करना है, उसके बाद सीधा निकलते हैं बाहर, देख के आते हैं आज क्या सीन है आगे। पहाड़ों पे कुछ बारिश वारिश हो रही कि नहीं हो रही है, मतलब आगे नहीं जाना चाहता, बस थोड़ा सा ड्राइव करके आएंगे। कोई वेदर देखो कितना बढ़िया हो रखा है, एकदम एक नंबर। और ये भाई बिना इंडिकेटर के घुसते हुए बहुत सही भाई, इनको दिखा साइड में कोई ठेला लगा है तो रुकना है तो आराम से रुक लो, पीछे वाला भी है यार, ना इंडिकेटर दिया ना कुछ, खैर छोड़ो जाना, तो लोग तो ऐसे ही हैं। बाहर वेदर देख लो, वो छोड़ो इधर देखो, मतलब चंडीगढ़ में क्या ही वेदर था और यहाँ क्या ही वेदर हो रखा है। देखते हैं अभी तो चल रहे हैं आगे तक, बाकी आगे देखते हैं, अगर कुछ लगा तो और आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं तो लौट लेंगे, लेकिन जैसे जैसे वेदर देख रहा ना मन तो यही कर रहा है कि चलते रहे। फिलहाल अलग ही मजा आ रहा है यार, ये बारिश हो जाएगी, नहीं बारिश ना हो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बारिश नहीं चाहिए भाई, बस ऐसा ही मौसम चाहिए, क्योंकि बारिश होने लगती है ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आ जाती हैं, हर जगह सब वो सब चल रहा है भाई। देखो चोटी पे कितने सारे बादल लदे हुए हैं, टेम्परेचर भी डिप हो गया, अभी देखो 32 हो गया, कहाँ 37-38 से सीधा 32 आ गया, क्योंकि धूप नहीं ना ऑलमोस्ट, तो मतलब इसलिए अभी रास्ते में कहीं रुकते हैं और वही पहाड़ों वाली मैगी। ओह
इनका काम भी तो मतलब उस तरह से इसको देखना होता है। निकल लेते हैं कल, ये सोच तो रही थी कि निकल ले लेकिन वही चीज है। मैंने कहा देखो अपना देख लो भाई क्या कैसा काम है, कैसी मीटिंग है, तब बोलो। ऐसा ना हो कि अभी भी देखो या कोई शोर नहीं है, अभी आधे रास्ते जा रहे को इनकी कंफर्मेशन मिल जाए तो। हाँ रास्ता तो नहीं पता, इधर तो खैर लैंडस्लाइड नहीं हुई, शिमला में लैंडस्लाइड हुई थी लेकिन शायद थोड़ा सा आगे पीछे हुई थी। भाई ये देख लो, ये कहते हैं वेदर, ये वेदर देखना था कितने दिनों बाद। क्या बात यार, मतलब देख रहे हो जैसे नहीं महाराष्ट्र का, मैं कि महाराष्ट्र तो अल्ट्रा प्रो मैक्स है लेकिन थोड़ा वो छोटा मोटा है, महाराष्ट्र यहाँ भी देख सकते हैं। ला रहे हैं हमें, आ जाओ। ये देखो भाई, उस चोटी में जाना है, उसके पीछे मजा आ गया यार। डिसाइड कर लो यार सोनी, अगर नहीं है कोई मीटिंग वगैरह तो फिर चली लेते हैं, एक रास्ते करके आ जाएंगे ऐसा वेदर देख करके, क्योंकि फिर तो मानसून भी चला जाना है। क्या कहता तो पब्लिक, चलना चाहिए वैसे तो। हम लोग ऐसे ही निकले कि चलो थोड़ा सा ऐसे चलते हैं कुछ इधर देख कर आते, जैसे अमूमन हम पिछले ब्लॉग देखोगे ना तो कई बार हम ऐसा कि बारिश स्टार्ट हो रही क्या, होनी चाहिए बारिश, मजा आएगा। नहीं भाई बारिश ना हो बस, ऐसा ही मौसम रहे। परवाणु तक तो चंडीगढ़ में इतनी गर्मी है भाई साहब, इतनी तेज धूप है कि पूछो नहीं, मतलब घोड़े घुल जाते जैसे धूप में हो, और यहाँ देख लो चेंज एकदम। पहाड़ों की खैर बात तो अलग है लेकिन हाँ ये जरूर बात है कि पहाड़ मतलब कतई कदर भी कर देते हैं। देखो मौसम देखो यार, अल्टीमेट हो रखा है, अल्टीमेट लग रहा है ये रे। ये देखो सामने ही है बिल्कुल जो भी है। भाई ध्यान से चलाना, आजकल पता नहीं सड़कों में ये कैटल वगैरह बहुत दिख रहे हैं, गाय है कुत्ते हैं बहुत दिख रहे हैं। इवन दिल्ली चंडीगढ़ वाले आए थे हम लोग भाई, उस पर तो इतने निकल आए, इतने पता नहीं कहाँ से, जैसे मध्य प्रदेश में नहीं दिखाते हैं लोग, तो संभाल के चलना। बाकी नज़ारे एंजॉय करो यार, मजा आ रहा है, चल तो रहे हैं हम, उम्मीद है कि शिमला पहुंच जाएंगे चलते चलते। बस इसे पहाड़ी पर चल लेते हैं जो सामने देख रही, क्या ये क्या पता क्या है ये। इस वक्त वो कसौली वाले रिसोर्ट में भी मजा आएगा ना, मुझे याद है कोई नहीं लिया था वो फनसूर्या में भी क्लाउड्स होते हैं, मजा आ रहा है। चलो यार कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते रहते हैं, आज उम्मीद यही है कि पहाड़ों पे पहुंच जाएंगे। अभी तो रोड ठीक है, ट्रैफिक तो बहुत है, देखो अगल बगल ट्रक खड़े हुए हैं तो चलने वाले भी तो बहुत हैं, यहाँ मजा बहुत आता है, क्लीन भी रहता है, साफ सुथरा रूट तो ये मस्त है, कुछ भी कहो। कब आए थे फरवरी में आए थे ना, लास्ट ईयर, काफी टाइम हो गया, शिमला एक साल हो गया, नहीं एक साल क्या, अभी तो आए थे फरवरी, अभी लास्ट फरवरी में हम लोग आए थे। नहीं देखा तो ब्लॉग जाकर देखना, चेकआउट करना, उसमें प्ले लिस्ट होगी कुफरी एंड शिमला लास्ट फरवरी 2024। लेकिन वेदर ये मानसून का ज्यादा मजा आता है ना, क्योंकि इसमें अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है, एकदम फॉगी। एक बार हम लोग आए थे तब सबसे बड़ा मजा आया था, बताओ सोनिया कब, बारिशों में कांडा घाट नहीं परमाणु, ओ भाई इन्होंने तो ये देख लो, इन्होंने बिल्कुल बारात बना रखी यहाँ पे यार, ये पता नहीं कैसे आ गए, पहले तो कभी नहीं देखे हमने, एक आध दिन जाते थे तो खैर जानवर कहीं ना कहीं से आएंगे। कांडा घाट एक बार हम बारिश में आए थे, हम लोग एक बार परमाणु आए थे 2019 में मैडम का बर्थडे था तो भाई। और सबसे मजाक वाली बात, जिस दिन हम लोग चेकआउट कर रहे थे, गौर से सुनना, जिस दिन हम चेकआउट कर रहे थे उस दिन हमारे साथ ऐसा खेला हुआ कि पूछो नहीं, इतने क्लाउड्स आ रहे थे रूम के अंदर आ रहे थे, मतलब वही फॉगी हम लोग, और अरे बाप रे आज को पकड़ लिया। ये 2000 years later नहीं मानेंगे भाई, अभी ना अचानक से भाई सैल्यूट है पुलिस वालों को, बड़ी बाज की नजरें हैं, इतनी दूर से देख लिया, ना ही कोई इंटरसेप्टर था ना कुछ था, ऐसी आंखों से देख लिया कि मोबाइल मैंने तुरंत नीचे कर लिया, अभी मैं बोल रहा था ना तुरंत नीचे कर लिया भाई, पकड़ लिया मैंने भी गाड़ी रोक दी, मैंने कहा इनसे भागने कोई फायदा नहीं है, भागना भी नहीं चाहिए, हादसा वादसा हो जाए इधर उधर चढ़ा दो किसी पे, मैंने रोक ली गाड़ी भाई। मैंने सोचा सर नॉर्मल चेकिंग कर रहा हूँ, मैंने कहा कि आप क्या कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं गाड़ी चला रहा था, तो मोबाइल से गाड़ी थोड़ी ना चलती है, मैंने यार मैंने सोचा इसने इतनी दूर से देख लिया भाई, सेल्फी ले रहे थे, फिर मैंने बोला सेल्फी ले रहे थे, फिर हम दोनों ने क्या किया ना, अच्छा वो बोले कि एसएचओ साहब है पीछे आ जाओ, मैंने कहा चलो भाई, मैं ऐसे ना लड़ने लगा, मैंने कहा से पहाड़ पर चलने का मजा लेना था, लो मजे करवा लो चलाने यहाँ पे, ये बात हुआ हम लोगों ने खूब एक्टिंग करी, ये मैं बोली अरे आप छोड़ दो, अभी ये सेल्फी ले रही थी पहली बार है ये है वो है, मैंने भी कहा कि बस ये नॉर्थों को समझ में नहीं आती बातें, बस सेल्फी ले लो ये सब है, और अब कटवा लिया चलान, अब आगे मजे।
ये करते करते हम लोगों ने एक्टिंग करी ये करी, बाद में उन लोगों ने फिर छोड़ दिया। कि आज का लाइसेंस देखा यूपी का, और मैं सुन आप कहा मैंने दिल्ली के, थोड़ा वो भाई यूपी का लग रहा है। मेरे बोल रहे आप मैडम आपके चक्कर में शरीफ आदमी की लग जाती है बेचारे के, 5,000 का चलान हो जाता अभी वो फाइन है। मैंने कहा देख लो, उन्हें कुछ ना समझ में आता, बस खाली सेल्फी समझ में आती है। मैंने बोला सर दिल्ली की 40 डिग्री की धूप देख के, मौसम देख के थोड़ा मन भर आया एक फोटो लेने का, नहीं ले सकते कि ये हक भी नहीं हमारा, फोन रख देंगे अब हम बैग में, कुछ नहीं भाई करेंगे। लास्ट में उन लोगों ने छोड़ देकर ये दोनों, ये तो आपस में दोनों लड़ मर रहे हैं कि नहीं छोड़ दो इन्हें जाओ। लेकिन ठीक था यार, आप लोगों को कभी पकड़ा जाए तो हस्बैंड वाइफ लड़ना नहीं यार, ऐसा ठीक नहीं है। मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा, यूज मत करो, मैं ये कहूंगा यूज मत करो फोन, क्योंकि देखो डेंजरस, उनका भी यही समझाना था कि ये डेंजरसली होता है ऐसे पहाड़ों पे फोन यूज करना, वैसे भी बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा रूल फॉलो करना है। ठीक है, समझ गए ना, कोई अतरंग मतलब नहीं, बाकी हम तो भैया निकल लिए फ्री वाले चलान पे बिना कुछ दिए। ये तो 500 रुपए तो देने ही पड़ते, 5,000 के चकले 500 रुपए देने ही पड़ते। और बाहर होने लग रही है बारिश, हल्की बल्कि तो बाहर होने लग गई है बारिश, देख रहे हो ना चौकस बारिश होने लग गई है। अभी वाइपर नहीं जाया, थोड़ा शीशा गीला तो होने दो यार, मजा आ रहा है। कहाँ जा रहा है कसौली जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कहीं नहीं, बस मैडम को पहाड़ों के रोड वो पहाड़ों पे जाके मजे लेने थे, लॉन्ग ड्राइव पे पहाड़ों की ड्राइव की, अब ले लो मुझे चालान कटवा करके। हमने देखा ना यही तो लड़मर लगेंगे, इन्हें छोड़ दो फिर, यूटर्न ले रहे फाइनली 10-15 मिनट बाद जाने दिया। तो चलो इंजॉय करते हैं, मिशन सक्सेस। 500 रुपए की मैगी खाएंगे अब बैठ के आराम से। अब आगे गए ना मिल जाए फिर से इस बात का, अच्छा फिर से वही गुरु आओ अंदर तुम, अब बोले लाइसेंस सस्पेंड होगा, फिर जहां से बना है ना वहीं से मिलेगा। बात तो सही है खैर उनकी, लेकिन भसड़ हो जाती नहीं तो वही है भैया 500 रुपए देने पड़ते, लेकिन हमने बचा लिए। वो देखो छोटी में बादल कितना सही लग रहे ले। टॉय ट्रेन का तो अलग ही चल रहा है, पहाड़ों पे भी तेज बारिश नहीं हुई है लग रहा है। अच्छे हर जगह बारिश बारिश हो रखी है, गरीब बारिश नहीं हुई है, बड़ा हुआ है। मजा आ रहा भाई, मजा आ रहा है। मैं वहां पे बोल रहा हूँ कि सेल्फी चक्कर में मैडम वहां पे वीडियो बनाने लग गई, व्लॉग बना दिया। हाँ मैंने ये बोली वो बता देते ना हम व्लॉग बना रहे थे, तो मैंने कहा व्लॉग बना रहे थे पक्का धर लेंगे, कि तुम तो हर समय वो मोबाइल यूज करते हो। मैडम तो मतलब इनका अलग ही लेवल है। नीचे आ गए बिल्कुल, क्योंकि हम ऊपर चढ़ रहे हैं। छब्बीस डिग्री टेम्परेचर हो गया भाई, तो बारिश की बूंदें फिर से आने लग गई हैं। तो एसी बंद कर दिया, विंडो खोल लिया, हवा तो बढ़िया है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है लेकिन ठीक है, बढ़िया है, कंफर्टेबल लग रहा है। आगे आगे अचानक से बारिश मिल सकती है भाई, इस रूट पे ड्राइव करने का भी अलग मजा है, जितनी बार भी आता हूँ मजा आता है। और हाँ इस बार ज्यादा अच्छा लग रहा है, मानसून में ज्यादा मजा आता है, धूप नहीं होती, आराम से विंडो खोल के चलाओ, बढ़िया नेचुरल हवा लो, प्राकृतिक हवा। वो तो हमारी समझ बूझ से 500 रुपए की चपत लगते लगते बच गई मैंने इसलिए विंडशील्ड पे ही लगा दिया, मोबाइल पे ही, मतलब मोबाइल ऑर्डर पे मोबाइल माउंट कर दिया, ताकि आगे, क्योंकि रूट पे मिलते हैं पुलिस वाले, अब उनका भी काम है चेक करना,
इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए मोबाइल लगा लो मोबाइल होल्डर पे, और शांति से चलते रहो बतियाते, मजा आता था ड्राइव करने में, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल होना तो यार ड्राइव करने में मजा नहीं आएगा फिर। एक आध स्टैंड इसको और लेकर के इधर लगाएंगे ताकि अलग अलग एंगल से वीडियो शूट हो और हाथ फ्री रहे। ये कौन सी सिटी है भाई? सोलन तो दिल्ली आएगा नहीं, वही चल रहा है धर्मपुर चल रहा हो भाई। कसौली चौक तो निकल जाना चाहिए वैसे, परमाणु से अभी आया नहीं, सूर्य ही नहीं आया, हो सकता है इतना मतलब मैं आराम से ड्राइव करूँ ना तभी ऐसा लग रहा है। बहुत तेरी ये देखो कैसे बैठे हैं एकदम मोड़ पे, पता नहीं इनको कोई हटा भी नहीं रहा कि ऐसे ही नॉर्मल लोकली पीपल उनको हटा के किनारे बैठा दें। सुनाई नहीं दे रहा है क्या भाई? फॉरन दे रहा फिर भी चिपकाए चले आ रहे हैं। मुझे तो पता नहीं भाई अलर्ट है कि नहीं है, कल न्यूज़ में देखा था मैंने, शायद हाई अलर्ट था। ये रहा पंचूरी है ना, वही ग्रेट लोकेशन। देखो यहाँ पे स्टारबक्स खुल गया, पिछली बार हम लोग आए थे तब ये बन रहा था। सही बन गया, बहुत जबरदस्त बना है। बर्गर किंग भी है भाई, ये सही रहा, दिखा रहा था ना वो पिछली बार, वो पहला हिमाचल का। अब पहला पता नहीं क्यों था, क्योंकि हमने सर्च किया स्टारबक्स और भी थे, पता नहीं क्यों उसने पहला बोला, जो भी हो खैर खुल गया ना यहाँ पे, तो इस रूट पे जाने के लिए अच्छा है। गाइस मौसम चेकआउट करो, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही है लेकिन हो चुकी है, ये देखो पूरा इधर तो पहाड़ पे पूरा बादल ही बादल है, सॉलिड मौसम हो गया एकदम। 23 डिग्री भाई साहब, 23 डिग्री हो रखा है। अचानक प्लान बना रहा कल आना चाहिए था, गलती करते हैं यार। यहाँ थोड़ी सी लंका लगी हुई है मेरे ख्याल से, ये लैंडस्लाइड के बाद नैरो गया रोड, तो इसको चौड़ी करने के लिए बगल में ये फ्लाईओवर टाइप या पुल ब्रिज ही बना रहे, फ्लाईओवर तो नहीं ब्रिज कहूँगा। सही है देखो ना कितना मतलब गायब ही है, अच्छा चौड़ा करना पड़ेगा नहीं तो जाम लग जाएगा। वैसे भी 4 लेन करने का तो यहाँ पे काम चल ही रहा है। हाँ देखो गाइस क्या मस्त एकदम बादल हो रखे हैं, हम लोग जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन करते जा रहे हैं ना बादल मिलते जा रहे हैं। चौकस यहाँ बढ़िया अपना टाइमलेस बन रहा है और हम चला रहे हैं अपनी गड्डी। ऊपर देख लो बादल क्या चौकस लगते हैं भाई, इनकी बात ही अलग है। ये देखो क्या सही लग रहा है, इसे कहते हैं मानसून, लेकिन मानसून में यार बड़ा भसड़ भी हो जाती है, कहीं इतना बरस जाएंगे कि पूछो नहीं। डाबे नहीं है, खत्म हो गया डाबे नहीं, आगे मिलेंगे। ये सिंगल रोड है ना, यहाँ पे नहीं है क्योंकि तो ये सिर्फ जाने जाने का है, अभी डबल लेन हो जाएगा ना, आगे जाके मिलेंगे ना। खाली रोड हम ही जा रहे हैं लगता है, वैसे भी इस समय पहाड़ पे जाना अभी वैसे सेफ नहीं, वो तो हम लोग चल रहे हैं ऐसे भी कुछ और नहीं, हम शिमला तक जा ही रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सामने की तरफ ये देख लो भाई साहब, देखो 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 सुल्तान देखो। लग रहा है भाई हवा में, हवा के साउंड में तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ भी हल्की फुल्की बारिश शायद नहीं हुई, मुझे लगा जैसे बूंदा बांदी हो रही है। उधर देख लो भाई, चेक दिस आउट देखो क्या व्यू है, आगे मिलेगा ना तुम्हें, आगे खाएंगे। ये देखो 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 देखो, 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 देखो
सोलन, ये मुझे लग रहा है सोलन ही होगा क्योंकि शिमला इतने पास है 40-45, उसके पहले सोलन ही इतना बड़ा सिटी आना चाहिए एज पर माई नॉलेज। ये देखो भाई तो सामने है, देखो सोलन 7 किलोमीटर है लेकिन यही सोलन होगा मेरे ख्याल से। चौकस दिख रहा है एकदम। अब यहाँ कहीं देखते हैं, रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं, अब बढ़िया से भूख लग रही है। तो नहीं पता है कौन सी जगह है लेकिन यहाँ पे फ्लाईओवर बनना ना ऊपर ये कंप्लीट हो जाएगा तो सीधा ऊपर ही ऊपर निकल जाओ भाई। काफी टाइम से बन ही रहा है, मेरे ख्याल से 3-4 साल से लग रहा है कि बन ही रहा है। कोई नहीं, जहाँ इतना लोगों ने वेट किया है थोड़ा और सही, जैसे ही बन जाएगा मैं सुपर ऊपर निकल जाओ, भीड़ भाड़ में नीचे आने की जरूरत ही नहीं, जाम वाम में फंसने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे बारिश मिलेगी क्योंकि आगे ताबड़ तोड़ो मौसम काला ही है। लेट्स सी, वैसे तो हल्की ही बारिश है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। मज़ा आ गया, मतलब बहुत दिन से सोच रहे थे कि कुछ मानसून दिखे यार, ऐसा मानसून दिखे मतलब नॉर्मल, इसमें मज़ा भी आए फन भी लगे, ज़्यादा वो एडवेंचरस भी ना हो। देखते हैं आगे शिमला में क्या सीन रहता है। अभी तो फिलहाल ये कंडाघाट से पहले ही हम काफ़ी, अभी तो जस्ट सोलन क्रॉस किया, कुछ सही साइड रुकने का दिखा नहीं, जहाँ रुका जाए कुछ खाया जाए। अब बारिश तेज हो गई है ना, अब तेज हो गई बारिश, ऐसा लग रहा है सुन लिया हो। अच्छा है, बहुत देर तक कह रहे हो बारिश नहीं, अब बारिश नहीं हो रही। देखो सब टावर तोड़ बारिश हो रही है, चलो गाड़ी पे ध्यान देते हैं। अब 4:25 हो रहे हैं भाई, अभी एक जगह रुके हैं, पीछे शॉप दिख रही है वहाँ पे राजमा राइस बोला है, एक मैगी बोली, 2 चाय बोला, उसके बाद देखेंगे और भूख लगेगी तो एक मैगी या राजमा राइस बोल देंगे। फिलहाल अब जा करके सुकून मिला है, बारिश हो रही है यहाँ पे, अच्छी खासी बारिश हो रही है। देखो अगर तो यहाँ पे बहुत तेज नहीं लेकिन हाँ भीगने लायक बारिश काफी हो रही है। आज लग रहा सनरूफ देखो ठंडी है, मतलब ये तपती है। हाँ ये तो धूप में मतलब गर्मी, पूरे गर्मी में तपती रही, देखो अंदर ओस जमने लग गई, इसमें ओस आ गई बेचारी। चलो यहाँ पे कुछ खाते हैं, बारिश का मजा तो आ रहा है। और अभी इनकी एक मीटिंग है शाम में 7 बजे के अराउंड, अगर वो कन्फर्म हो जाती है तो हम यहाँ से मतलब वापस चल लेंगे, नहीं तो फिर शिमला चल लेंगे। अभी कुछ श्योर नहीं, बताया नहीं के ऊपर सब डिपेंड करता है, तो देखो जैसे देखा जाएगा। फिलहाल अभी खाते पीते हैं फिर देखते हैं, जैसा आपको बताएंगे, तब तक मौसम इंजॉय करो। यहाँ चल रहा अपना राजमा राइस और मैगी, बारिश थोड़ी कम हुई है लेकिन हवा के उससे वो आ रहा है। अभी बस चाय बाकी है, चाय आ जाए, चाय पीते हैं। मैगी बड़ी स्पाइसी बनाई है भाई साहब। हम लोग आ गए हैं क्लाउड्स में, ये भाई लास्ट तो याद नहीं है कौन से क्लाउड्स में थे लेकिन अभी है क्लाउड में आ गए हैं। अरे चले भी गए, मनाली जाते टाइम याद आया, मनाली जाते टाइम, अरे वो तो विंटर का फॉग था, बादल क्यों कहेंगे उसे, उसमें थे कांडाघाट में। हाँ कह रहे थे लेकिन मजा आता है। अब यहाँ बारिश गाइस तेज होने लग गई है और कल की धूप सी भी लग रही है। भाई जिसका डर था वही हुआ, अभी इनके मीटिंग का कंफर्मेशन आ गया है। अब हम लोग सोचो यहाँ पे कंडाघाट में है, अब यहाँ से यू टर्न करेंगे, यू टर्न करके वापस जाएंगे। हमारी ड्राइव हो गई, मजा आया मॉनसून में देख के, वही है ना, हाथ आया मुंह ना लगाया वाली कहावत हो जाती है। खैर चलो यहाँ से यू टर्न करते हैं, वापस चलते हैं, बट मॉनसून में आने का मजा है, मजा तो है।
अभी फिर वो बट हो गया भाई, अभी इवनिंग के यार वही अब क्लाइंट बोल रहा है कि कल आप इवनिंग में आ जाओ, आज मेरी फ्लाइट डिले हो गई तो मैं अभी तो लैंड ही नहीं कर पाया हूँ, तो कैसे मिलोगे आप 7 बजे तक? क्या ही चल रहा है यार, इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ देखते हुए आ रहे थे यार, इतना मज़ा आ रहा था, सोचा था वहीं रुक जाएँ, अब इतना नीचे आ गए हैं तो मतलब ज़्यादा कभी सोलन से तो क्रॉस नहीं किया शायद हमने, या तो कर लिया कुछ पता नहीं, लेकिन अभी क्या 5:30 हो रहे हैं, अब बताओ यार कहाँ रुका जाए यार, यही टेंट वेंट होता तो टेंट वेंट लगाते थे गाड़ी में, टेंट भी नहीं है, पहुंचना जरूरी है कल तीज है, कल का तो कल देखेंगे यार कुछ भी हो, अभी का क्या करना है, वही चीज है ना, उधर के रहे ना इधर के रहे, अब बस एक जगह रुके पड़े, अब देखो क्या, चलो ठीक है कल टुमारो 10:00 मॉर्निंग, कल मॉर्निंग में 10 इसे, चलो आज वहीं से ना निकलती, चलो देखते अभी क्या करते हैं, बाकी रास्ते में व्यू तो एक नंबर है, मजा बहुत आ रहा है, बादल अच्छे मिल रहे हैं, अब बारिश बंद हो गई है, क्लाउड नीचे बैठ गया, ऐसा लग रहा है क्लाउड हम लोग, मजा आ रहा है मस्त, इधर तो गाइस पूरे बादल ही बादल हो रखे हैं, ये देखो चल रहा है ना, खुल रहा है मौसम, ये देखो ऐसे चलते हैं बादल हैं, ये सही लग रहा है भाई, देखते हैं अभी, आप सोच रहे हैं कसौली रुक लिया जाए, वो रास्ते में जो पड़ा था ना सन सूर्य जिसमें हम लोग रुके थे एक बार, तो अगर नहीं आपने देखा हो तो पिछले विंटर ट्रिप हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाके चेकआउट करना, उसमें उस टाइम लोग मेरा बर्थडे था उस टाइम के अराउंड आए थे, अभी फिलहाल सोच रहे हैं वहीं रुक जाएं, क्योंकि फिर चंडीगढ़ जाएं, फिर चंडीगढ़ नहीं, कोई मन कर रहा ना इतना अच्छा व्यू देखकर कहीं जाने मन ही नहीं कर रहा, चलो देखते हैं अगर उसके बुकिंग डालते तो उस पर चलते, नहीं तो फिर चंडीगढ़ चलते हैं, गाइस 7:44 हो गए यानी 7:45 हो गए और हम लोग चंडीगढ़ आ गए घूम घाम के वापस चंडीगढ़, अभी तो शाम है तो कुछ वेदर का कह नहीं सकते, बस हाँ भैया ट्रैफिक मिलना है, होटल कर ही लिया है जिसमें रुके थे चेकआउट किया था उसी को फिर से कर लिया, अभी चलते हैं कुछ चाय वाय पियेंगे फिर ना आराम करेंगे, तो भाई 11:30 बज गए, खाना मंगा ली रात के पहले तो चाय वाय पी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने लग गए, फिर खाना मंगा लिया, खाने में ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही थी, लगा हल्का फुल्का खाते हैं, बिरयानी मंगा ली थी, वेज बिरयानी मंगाई, छुट्टी भाई, मौसम तो अभी फिलहाल ठीक है, एसी नहीं चला रहे क्योंकि इतनी गर्मी नहीं लग रही, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो गई, थोड़ा सा रिलीफ है, आज मज़ा बहुत आया, क्या मौसम था, निकल के बाद अच्छा ही रहा, और अगर शिमला भी चले तो और मज़ेदार हो जाती, लेकिन खैर कोई नहीं, 1-2 महीने में एक राउंड लगा लेंगे शिमला का, डायरेक्ट निकल लेंगे उधर, उसके बाद चंडीगढ़ आएंगे, तो अभी तो मानसून रहेगा, अभी क्या है भैया पूरा अगस्त है पूरा सितंबर है, तो ये सही रहेगा, तो फिलहाल मज़ा बहुत आया, इस मज़े को कंटिन्यू करेंगे, अभी फिलहाल थकान हो रही है, अभी फटाफट से जा रहे हैं सोने, खाना खा लिया था हल्का खाया इसीलिए क्योंकि वो ना जब सरद गर्म होता ना, अभी यहाँ इतनी गर्मी चल रही थी, अचानक से वहाँ पहाड़ों पहुँच गया, वहाँ पर ठंडा, अभी थोड़ा एल्टीट्यूड वगैरह होता है थोड़ा सर भारी हो जाता है, पहाड़ों को तो आदत होती है, पहाड़ों में जो लोग हैं ना वो रहते हैं उनको तो आदत होती है ना, अपन लोग आदत कहाँ होती है, तो पहला जल्दी सो जाते हैं आराम से थकान उतर जाएगी, तो चलो तो डॉक्टर यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग, तब तक गुड नाइट, टेक केयर और बाय बाय, ख्याल रखें।